आप देख रहे हैं अमेज नाउ। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी सुनौली रोड गोरखपुर, आयुष रेजिडेंसी करजहा गोरखपुर, आयुष स्मार्ट सिटी सोनबरसा गोरखपुर, आयुष ग्लोबल सिटी माड़ापार गोरखपुर, आयुष ग्रीन सिटी परसा जाफर बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से, हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। अपना समय या सोच कर बर्बाद न करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को, उनको जवाब देने दो। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं अमेज नाउ की खास पेशकश एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम एक बार हाजिर हैं अपने साथ आचार्य मनीष मोहन जी के को लेकर, और हमेशा की ही तरह नवमंडल में ग्रहों की स्थिति, तमाम कॉलर्स की समस्याओं के साथ साथ साप्ताहिक राशिफल और कुछ तीज त्यौहार के अलावा कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत होगी। तो आइए मुखातिब होते हैं आचार्य मनीष मोहन जी की ओर। बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच में, सारे दर्शक आपके साथ हैं। ओम गणपतये नमः। हर सप्ताह की तरह इस समय भी, इस बार भी नवमंडल में ग्रहों की स्थिति से हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं, और देख लीजिएगा अगर कोई इस सप्ताह बीच में कोई तीज त्यौहार पड़ रहा हो तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा प्रकाश डालने की। नवमंडल में 6 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 के बीच ग्रह स्थिति इस प्रकार है। सूर्य मंगल केतु बुध वृश्चिक में, धनु में शुक्र पड़े हुए हैं, शनि मकर राशि में है, बृहस्पति देव कुंभ में है, राहु महाराज वृष में है। सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा धन राशि से शुरुआत करेंगे। 10 दिसंबर से बुध महाराज राशि परिवर्तन करके धनु राशि में शुक्र के साथ गठबंधन करेंगे। इस सप्ताह 12 दिसंबर 2021 में महानंदा नवमी है। आज के दिन देवी का पूजन करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जी, चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। जी, मेष, पिता के सहयोग से कोई कार्य में सफलता, कोई चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। नए कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग, आंखों के रोगों से सावधानी। देश, मित्रों का साथ मिलेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कोई धार्मिक कार्य या आयोजन में भाग ले सकते हैं। संतान पक्ष से लाभ। मिथुन, शैक्षिक कार्यों में सुखद अनुभूति का अनुभव, महत्वपूर्ण कार्य में सफलता। वाणी पर संयम रखें, आर्थिक लाभ की स्थिति, वाहन नए वाहन का भी हो। दोस्तों, हम लोग हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नई बातें यहाँ पर आचार्य मनीष मोहन जी हम लोग को बताते रहते हैं। तो आज भी अभी हम लोग थोड़ी चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें ये बात आई कि मंगल दोष या मांगलिक दोष क्या है, इस पर से लोगों की कुंडली आती है, लोग मंगल दोष के कारण बहुत भयभीत हो जाते हैं। जी जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंगल से ही मांगली होता, ऐसा नहीं है। मंगल के कई परिहार हैं, हम लोग बातचीत बहुत बढ़िया, अभी इस थोड़ी देर बाद हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, पूरे अंत तक हम लोगों को बने रहना है। तो एक कॉलर है, कॉलर की समस्या को सुन लिया जाए। अंडी जी प्रणाम, मैं अनुपमा पांडे, मेरा जन्म बस्ती जिला में हुआ है। हिंदी मैथोलॉजी के अनुसार 28 दिसंबर 1974 की रात्रि 1:10 दिन शनिवार था, लेकिन इंग्लिश मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 1:10 होने के नाते मेरा जन्म 29 दिसंबर 1974 दिन रविवार माना जाएगा। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरा राजनीतिक करियर कैसा हुआ। वर्तमान समय में राजनीति में हूँ और थोड़ा मेरे धनाभाव चल रहा है, मेरी दशा कैसी होगी, मेरा मार्गदर्शन करें पंडित जी। अनुपमा पांडे जी, आपने बताया 28 और 29 दिसंबर की मध्य रात्रि
1974 1:10 रात्रि पे आपका जन्म हुआ, जिला बस्ती। आपका कन्या लग्न आ रहा है, राशि आपकी मिथुन आ रही है, आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शनि में राहु 30 नवंबर 2022 तक है। आप वर्तमान में राजनीति में हैं, नो डाउट आगे आपका बहुत अच्छा राजनीतिक जीवन है। वर्तमान में थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। ज्योतिष उपाय में एक अच्छा सा पन्ना दाएं हाथ के कनिष्ठिका में चांदी में बनवा करके दिन बुधवार को धारण करें। हरी कृपा। अनुमा पांडे जी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी उनकी कुंडली है, आके अच्छा राज करेंगी। बहुत बढ़िया जी। चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। कर्क, समय उत्तम, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्यवसाय में नया अनुबंध मिल सकता है, जो लोग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उत्तम समय है, प्रयास करें। सिंह, व्यवसाय में लाभ एवं विस्तार का योग, संयम से रहें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है, उधर रोगों से सावधानी। कन्या, अस्थाई आय का स्रोत बनेगा, मानसिक शांति रहेगी, व्यर्थ के क्रोध से बचें, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें जी। अच्छा जी, एक वीडियो कॉलर है जिनकी समस्या को सुन लिया जाइए। प्रांजल सिंह है। नमस्कार, मैं प्रांजल सिंह, जन्म गोरखपुर, जन्म की तारीख 1/2/1989, जन्म का समय 12:45 दोपहर का समय है। जब भी हम कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई ना कोई बाधाएं आ ही जाती हैं। कृपया करके मेरे इस परेशानी का कोई ना कोई उपाय बताएं, ताकि हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें। धन्यवाद जी। राजेश सिंह जी, आपने अपना जन्मतिथि बताया 1 फरवरी 1989 12:45 दोपहर। आपका लग्न आ रहा है वृष, राशि आ रही है वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। वर्तमान महादशा शुक्र में चंद्रमा 13 सितंबर 2022 तक। आपका प्रश्न है, आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, बिल्कुल नहीं घबराएं। 2 फरवरी 2022 के बाद आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगा। मंगलवार को कोई नए कार्यों से बचें। एक ज्योतिष उपाय में बढ़िया सा ओपल 10 से 12 रत्ती का दिन शुक्रवार को चांदी की मुद्रिका में बनवा करके दाएं हाथ के तर्जनी में धारण करें। हरी कृपा। चलते हैं शेष राशिफल की ओर जी। तुला, संतान की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा, आय के नए मार्ग बनेंगे, मीठे खान पान में रुचि हो सकती है, उधर रोग से सावधानी। माता के परिवार के तरफ से कोई लाभ या उपहार मिल सकता है। वृश्चिक, सावधानी से नए कार्य करें, किसी संपत्ति में भी विवाद की स्थिति से बचें, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, व्यापार में सुधार होगा, कोई धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे। धनु, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्रोध से बचें, संयम से रहें, नौकरी में धैर्य आवश्यक है, साझेदारी में मन मुटाव हो सकता है जी। शेष राशिफल के बीच में थोड़ा हम लोग जो बात कर रहे थे जी, मंगल और मांगलिक दोष जी, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें जी। मेरे पास या किसी विद्वान के पास बहुत से लोग आते हैं, मेरी बेटी मेरा बेटा मंगलिक है, विवाह में क्या अड़चने आएंगी। मैं इतना ही कहूँगा, मंगलिक कोई हवा नहीं है। मंगलिक या पुरुष जातक में मंगल पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, आठवें भाव, बारहवें भाव में मंगल होता है, तो पुरुष व्यक्ति मंगला कहलाता है, वहीं स्त्री कन्या जातक मांगलिक कुंडली कहलाती है, इसका निराकरण है। अगर उन्हीं स्थानों में
प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश उन्हीं स्थानों में लगन से सूर्य राहु शनि केतु बैठे हो तो मंगल का निराकरण हो जाता है। इसको विद्वान या अन्य लोग इस पर जरूर बात करते हुए सोचें जी। फिर थोड़ी बातें और करते हैं जी, चलते हैं शेष राशिफल की ओर। मकर, किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता का योग, यात्रा के योग भी बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि, कला संगीत के क्षेत्र में रुझान, मित्रों के सहयोग से सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ, परिवार के वाद विवाद से बचें, कारोबार में परिश्रम रहेगा। किसी कानूनी अड़चनों में सफलता का योग, उदर रोगों से सावधानी। मीन, संतान पक्ष में खुशी का माहौल, मन में आत्मविश्वास का संचार होगा। तनाव से बचें, कोई यात्रा का योग, उन यात्राओं से लाभ होगा। कोई सरकारी अनुबंध का आपके साथ अनुबंध हो सकता है, कोई वस्त्र या उपहार भी मिल सकता है जी। आचार्य जी, अभी हम लोग जो मंगल और मांगलिक दोष की बात कर रहे थे, तो इसके निवारण की भी बात। बिल्कुल, जब मंगल बृहस्पति के साथ केंद्र में हो, यानी लगन चतुर्थ सप्तम दशम में केंद्र में मंगल के साथ बैठा हो, तो मांगलिक वह व्यक्ति का अंश शून्य हो जाता है। बृहस्पति कहीं भी बैठकर केंद्र से मंगल को देख ले तो मांगलिक दोषों का हनन होता है। अरे बिल्कुल, अगर किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो मंगल स्वराशि बैठा हो, मेष का बैठा हो, वृश्चिक का बैठा हो, तो भी उसका निराकरण हो जाता है। मंगल तब और परेशान करता है जब कर्क का केंद्र में बैठा हो, नीच भाव में, साथ में सूर्य राहु केतु बैठे हो, तो द्विगुण यानी दुगुना मांगलिक कहलाता है। बहुत से लोग आते हैं पंडित जी ज्योतिष जी, ये दुगुना मांगलिक क्या होता है, डबल मांगलिक वही होता है जब साथ में सूर्य केतु राहु या पापी ग्रह साथ में बैठे हो, तो उस बल को दुगुना कर देते हैं। अगर पुरुष जातक की कुंडली में मंगल हो, स्त्री जातक की कुंडली में उन्हीं स्थानों में सूर्य शनि राहु केतु हो, तो अपने आप मांगलिक दोषों का निराकरण हो जाता है। मंगल से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सावधानी पूर्वक कुंडली का अध्ययन करें, उसी में सब हल छुपा हुआ है, कोई फगुआ मंगल नहीं है। तो आचार्य जी, आपने बहुत ही विशेष और मतलब ये कि सावधान रहने वाली बातें आपने बताई कि मंगल और मांगलिक दोष जो है। मैं कहूंगा कि मंगल से डर नहीं, मंगल कुंडली में है तो अन्य कभी कभी ऐसा भी होता है, अन्य योगों पर भी उस पर ध्यान दें जी, कौन कौन से योग बन रहे हैं, शनि राहु केतु सूर्य कहाँ मौजूद है, निराकरण उसी कुंडली में छुपा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी लोग इस पर विशेष कोई ध्यान देता ही नहीं है, जरा भी ध्यान नहीं देता है, तो मंगल से बना हुआ है, लोग मन में डर बैठा लिए हैं जी जी। तो आपका कहना है कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, उसी कुंडली में ही उसका कहीं ना कहीं कोई जतन बना हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब किसी आप विशेषज्ञ ज्योतिषी से या ब्राह्मण जो इसका जानकार हो उससे बात करें। हम बहुत आभारी हैं, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया हमें और हमारे दर्शकों को। तो फिर समय हमारा समाप्त हो रहा है आज का, तो हमें लेना होगा इजाज़त। ओम गंगणपतये नमः। तो ये थे आचार्य मनीष मोहन जी, जिन्होंने साप्ताहिक राशि फल के अलावा नवमंडल में साप्ताहिक ग्रहों की स्थिति और पढ़ने वाले एकमात्र 12 नवंबर को जो आपने बताया था, नंदा महानंदा नवमी, इस तीज त्यौहार के बारे में बताया, और सबके सबसे बड़ी बात कि आपने मंगल और मांगलिक दोष पर और उससे कैसे निकला जाए, कैसे निपटा जाए, इसके बारे में बताया। तो हम एक बार फिर उनके आभारी हैं। तो आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।